ओम शांति। आज की तारीख है 5/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा। जब सृष्टि पर आते हैं तो हम बच्चों को हर पल के हर कर्म का ज्ञान देकर हमारा भाग्य श्रेष्ठ बनाते हैं। तो आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, समय बहुत थोड़ा है, इसलिए रूहानी धंधा करो। सबसे अच्छा धंधा है बाप और वर्षे को याद करना, बाकी सब खोटे धंधे। बाबा को याद करें और बाबा ने जो सेवा दी है जिससे हमें वर्षा प्राप्त होगा, तो बाबा कहते हैं वही धंधा करो। प्रश्न है, तुम बच्चों के अंदर कौन सी उत्कंठा होनी चाहिए? उत्तर, कैसे हम बिगड़ी हुई आत्माओं को सुधारें, सभी को दुख से छुड़ाकर 21 जन्मों के लिए सुख का रास्ता बताएं, सबको बाप का सच्चा सच्चा परिचय दें। ये उत्कंठा तुम बच्चों में होनी चाहिए। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, कोई और नहीं। धारणा के लिए मुख्य सार के दो गीता के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं बहुत बहुत मीठा बनना है। क्यों? क्योंकि क्रोध के कारण क्या होता है, कड़वे बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं क्रोध का अंश भी निकाल देना है। बाप समान रहम दिल बन, सर्विस पर तत्पर रहना है। नंबर 2, मौत सामने खड़ा है, वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बाप को और वर्षे को याद करना है। भारत को राम राज्य बनाने की सेवा में अपना सब कुछ सफल करना है। वरदान, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान भव। बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना, ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपा कर रख लिया, अभिमान को ही स्वमान समझ लिया, तो उसमें अल्पकाल की विजय भले दिखाई देगी लेकिन बहुत काल की हार समाई हुई है। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद स्थिति है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।